वो आपकी दोस्त, वो जो हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स को तसल्ली देती थी, सबका ख्याल रखती थी, बात होती है उससे आपकी? आप यकीनन रानिया की बात कर रहे होंगे, है ना सर? रानिया? हाँ, कैसी हैं वो? वैसे तो कभी कभार ही बात होती है, लेकिन आजकल वो अपने एक नए मिशन में बहुत मसरूफ है। मिशन? सर, 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 आप बेफिक्र रहें, मैं रानिया से जिक्र करूंगी ना तो वो आपकी शादी के लिए किसी की तलाक भी करा देगी। अच्छा, वाकई में है? तो क्या क्वालिटी है लड़की में? अब मैं तो खुद से खुद रابطہ करूंगा, क्योंकि हमारे भांजे ने तो उसको बहन बनाया है, तो इस नाते वो हमारी भांजी लगी। यहाँ पे कयामत आ गई, तुम दोनों का रोमांस खत्म हो रहा है। क्या हुआ है? 5 मिनट भी नहीं हुए रोमांस करते हुए, इतने दिनों बाद मिली अपने मियाँ से। अगर आप 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना, उसके बाद कयामत आ जाएगी, और उसके बाद आप पापा की शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकते, क्योंकि माहिर भाई मॉल में है और वो 2 मिनट में मेरे पास आ जाती। कमाल बात कर रही हो, पुलिसा तो कहते बीवी है मेरी यार वो। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आऊं और पकड़ा जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं और माहिर आज शाम की चाय साथ बैठ के पीने वाले, और हाँ, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे बीच में, और तो और दोस्ती से बात ना अब हमारी बहुत आगे चली गई है। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तुमने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। चढ़े मिल जाएंगे पूरे घर वालों के साथ और मोहल्ले वालों के भी। अलाप तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।